नमस्कार, स्पेशलिस्ट पंजाबी च तुहाडा सब दा स्वागत है। कपूरथला जिले के अधीन आउंदे पिंड गोरे विखे अचानक प्रवासी भारतीयों की 30 चुगियां झोंपड़ियां नूं अचानक अग लगन कारण होईयां सड़के सवाह। काफी समय तो बाद फायर ब्रिगेड की एक गड्डी पहुंची और फायर ब्रिगेड की एक गड्डी तो अग काबू नहीं पाई गई, तो उन्होंने 8 गड्डियां होर मंगवाईयां ते अग ते काबू पाया गया। कोई भी जानी नुकसान नहीं होया ते घर दा घरेलू समान सड़के होया सवाह। उन्होंने दसिया कि साडा परिवार अते बच्चे सड़कां अते बस स्टैंड ते बैठे हन ते उन्होंने दसिया साडे बच्चे कल रात दे भुखे पाणे बैठे हन। उन्होंने दसिया कि प्रशासन वलों साडी कोई भी सारणी लई गई। हर्षदीप सिंह जी दी विशेष रिपोर्ट, स्पैशल न्यूज़ पंजाबी। जो रात को आग लगी उसका क्या कारण है? कोई पता ही नहीं लगा, सारे काम कुम करके आया बाद से, सुत्ता प्यासी का रात का 12-11 बजे रात सीगा, सारे सुत्ता पड़ा था, खाना पीना खाया सुत रहा। अचानक कोई पता नहीं लगा कि कैसे लगाने, जब सेक लगा तब बाल बच्चे के लेकर तभी भाग दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे? नुकसान तो बहुत हो गया, बाल बच्चे मतलब बच्चे नुकसान, पशु बच गया, जितना सामान था पैसे उसे सारे कुछ जल गया। अब आपकी क्या मांग है? अभी तो कुछ नहीं, अब क्या कर सकते हम, तो क्या बोल सकते हैं, हमारा लोग कपड़े लत्ते जो मदद करना है 10 लोग का वो मदद कर दीजिए, हम लोग गरीब लोग हैं, इतना क्या कुछ नहीं बच रहा है। जो भी पैसे पूरे लिया है तो कल हिसाब करके सरजीत सरदार के पास से वो भी सारे बिके रह गया। भैया रात बीती रात आपके झुग्गी झोपड़ी में आग लगने की घटना है, ये कैसे आग लगी? 11 बजे रात को हम लोग सभी आदमी सोते थे, 11 बजे रात में जगदम आग लगे, उसका बाद में हमने हल्ला किए कि आग लगा, पानी ले आकर के आग बुझाओ, फिर अपना अपना सामान करने लगा, सभी सामान करने लगा तो उतना देर में तो दूसरे दिन भी आग लग गया, फिर सामान सारा करने लगा, इतनी बात हुआ, फिर उधर दमकल आए, दमकल पानी वाले आए, उससे कुछ बुझा ही नहीं आग हुआ। भैया कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस चुगी झोपड़ी में? नुकसान कुछ नहीं हुआ, सामान सामान जला, साइकिल सोकल था, सोलर प्लेट था, बैटरी था, यही सब जला है, कपड़े लत्ते जो था वही जला, बर्तन बुर्तन और बाल बच्चे माल जूल कुछ नहीं जलाए हुए। आपने प्रशासन को सूचित किया ये? नहीं, अभी तक नहीं आया था, चेक करके गया, उनने हम लोग का कोई सूचना नहीं दिया। सभी कुछ जल गया और खाने का कोई प्रबंध अभी तक हुआ? प्रोग्राम कुछ नहीं है खाने पीने का, अभी तक बच्चे बुच्चे सभी ऐसे पड़े हुए हैं, जो है भूखे हैं उनको खाने उने के लिए प्रोग्राम लगा देता है, और अच्छा की बात है, कपड़े कुछ भी नहीं बचा, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, कोई आदमी आकर हम लोग का कपड़ा दिया, तो हम लोग पा के अभी तक बचे हुए हैं रात से।